हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डिजाइनर स्लीव्स विद ट्रायंगुलर स्ट्रिप्स कटिंग एंड स्टिचिंग, जिसका नाप इस प्रकार है। लेंथ ऑफ द स्लीव 21 इंच, हाफ आर्म राउंड 3.5 इंच। इस बचे हुए कपड़े में से मैं अपनी डिजाइनर स्लीव्स बनाऊंगी। उससे पहले मैंने ये स्ट्रिप्स बना दी हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाजू बनाने के लिए ये हमारा 4 लेयर्स में कपड़ा रखा हुआ है। दोनों साइड से ये ओपन है, लेकिन ये जो कन्नी वाला भाग होता है, इस साइड से हम अपनी विड्थ लेंगे। विड्थ होगी जितना हमारा शोल्डर लेंथ है, उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे। तो शोल्डर लेंथ है हमारी इस कमीज की 6.75, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 8.75। लेंथ वाइज हम 4 इंच का निशान लगाएंगे। इसकी रेंज होती है 2.5 से 4 इंच तक, तो मैंने मैक्सिमम पे निशान लगा लिया है। और यहां से मैं अपनी बाजू की रोटेशन दूंगी, और यहां से अपनी बाजू की टोटल लेंथ प्लस 2 इंच का निशान लेंगे। टोटल लेंथ है 21, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 23 इंच। और इधर से हम अपनी हाफ आर्म राउंड प्लस 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। हाफ इंच हम इधर ओपन साइड में ये स्ट्रिप्स जॉइंट करने के लिए एक्स्ट्रा ले रहे हैं। हाफ आर्म राउंड है हमारी 3.5, और उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 5 इंच। इस पॉइंट को हम ऐसे स्लांट मैनर में मिलाएंगे, और यहां से हम रोटेशन और 1.5 इंच उठा करके अपनी फ्रंट स्लीव की भी रोटेशन कर देंगे, और कटिंग सिंपल बाजू की तरह होगी। कटिंग करने के बाद अब हम ये स्ट्रिप इसके ऊपर 1/2 इंच ऐसे फोल्ड करके इस प्रकार स्टिच करेंगे। एक साइड की स्ट्रिप ज्वाइंट करने के बाद अब हम इसी के पैरेलल में ये दूसरी स्ट्रिप को ऐसे रखेंगे, और इसको फोल्ड करके इसके ऊपर दूसरी साइड की स्ट्रिप भी पहले ऐसे सिल देंगे अलग से। दोनों साइड डिजाइनर स्ट्रिप ज्वाइंट करने के बाद अब हम नीडल और थ्रेड लेंगे, और इन कॉर्नर्स पर ये बीड्स ज्वाइंट करेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार हम ये सारे कॉर्नर्स में बीड्स को फिक्स करेंगे। इस प्रकार हम ये बीड्स हर कॉर्नर में जॉइंट करेंगे। ये करने के बाद इसी प्रकार हम दूसरी बाजू को भी कंप्लीट करेंगे।
दोनों ट्रायंगुलर स्ट्रिप्स को बीड्स के साथ ज्वाइन करने के बाद अब मैं इसको कुर्ती में ज्वाइन करूंगी, जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं इसके एक पिक अपलोड कर दूंगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।